प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी के सुंदरनगर शहर में सरकारी आदेशों की आड़ में हजारों लोगों की आवाजाही को HRTC व प्रशासन द्वारा बंद कर देने का मामला सामने आया है। मामला सुंदरनगर बस स्टैंड का है, जहां HRTC कर्मियों व प्रशासन द्वारा बस अड्डे को अम्बेडकर नगर और सुकेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जोड़ने वाले दोनों सड़क मार्गों पर लोहे की फेसिंग कर दी गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार एवं परिवहन विभाग के आदेश अनुसार सार्वजनिक परिवहन को शुरू करने के आदेश दिए गए थे। इसके उपरांत HRTC सुंदरनगर डिपो के अड्डा प्रभारी और अन्य कर्मचारियों व प्रशासन द्वारा मनमर्जी कर सरकारी आदेशों की आड़ में बस अड्डे को दो तरफ से जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर लोहे की बाड़बंदी कर दी गई है। इस कारण अब भरी धूप में लोगों को अतिरिक्त 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर बस अड्डा पहुंचना पड़ रहा है। इस कारण प्रतिदिन लोगों द्वारा HRTC प्रबंधन को कोसते हुए देखा जा सकता है। वहीं इस समस्या के कारण स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्बाल और SDM से सोमवार को मिला और अपनी समस्या से उनको रूबरू करवाया। आज हम जो बस स्टैंड के बैक साइड से जो मार्केट बनी हुई है और जो रास्ता अम्बेडकर नगर को जाता है, जो कि कुछ समय पहले बंद कर दिया गया है, जिससे कि वहाँ पे जो दुकानदार है और आम पब्लिक है उसको बहुत परेशानी हो रही है। वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं जो कि अपना वहाँ पे काम करके अपना भरण पोषण करते हैं, जिससे कि उनको दुकानों का वो किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। तो हम तो आज साहब इन SDM साहब से रिक्वेस्ट करने आए थे और हम माननीय विधायक श्री राकेश जम्बाल जी के पास भी गए थे अपनी थोड़ी सी समस्या लेके। तो हमारी यही मांग है कि ये जो रास्ता है इसको जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि जो वहाँ पे छोटे मोटे बेचारे दुकानदार हैं जिनका वहाँ से अपना घर का राशन पानी आता है उसका कोई हल निकल सके, नहीं तो ये बहुत समस्या हो जाएगी आम दुकानदारों को भी, आम पब्लिक को भी। तो हमारी साहब से प्रार्थना है कि जल्द से जल्दी सरकार इसके बारे में कोई कदम उठाया जाए। धन्यवाद। आज वार्ड नंबर 8 रोपा के निवासी अपनी समस्या को लेकर आए थे, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA की जो गाइडलाइंस हैं और हिमाचल सरकार ने जो आगे डायरेक्शन दी हैं, गाइडलाइन दी हैं, उसके मुताबिक बस स्टैंड में एक एंट्री होनी चाहिए और उस एंट्री पर भी हेल्थ की टीम वहां पर बैठी है और लोगों की जो आवाजाही बस स्टैंड में हो रही है उनकी वहाँ पर स्कैनिंग हो रही है। लेकिन लोगों का ये रोष था कि बस स्टैंड में जो एंट्री वार्ड नंबर 8 अम्बेडकर नगर की तरफ से जो एंट्री थी उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर मंडी उनसे भी बात की है, उसमें कुछ ना कुछ समस्या का हल निकालेंगे, लेकिन अभी तक जो MHA की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक इस वैश्विक महामारी के चलते ये दिक्कतें आ रही हैं। लोगों से सारी बातचीत हुई है, लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते ही ये सारे एहतियात बरती गई है, बस स्टैंड में एक एंट्री रखी गई है, लेकिन जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान हो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारा सुंदरनगर का जो बस स्टैंड है उसमें 3-4 जगह से एंट्रीज़ हैं, तो पीछे जैसे एक इंस्ट्रक्शंस पास होनी थी हमें जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आई थी कि सिर्फ एक ही एंट्री होगी जहाँ पर सभी लोगों की स्कैनिंग होगी, हेल्थ चेकअप होगा और उसी के बाद बस स्टैंड में एंट्री दी जाएगी। तो इससे कुछ लोगों को दिक्कतें हुई हैं क्योंकि एंट्रीज़ दो जो अलग अलग तरीके से हो रही थी वो बंद कर दी गई हैं और मेन एंट्री रखी गई है। तो कुछ लोग मिलने आए थे जिन्होंने अपनी समस्या बताई है, उसके बारे में जल्द ही विचार विमर्श करके जो भी समाधान होगा वो निकाल लिया जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।